ऐसी चीज है, आप नाड़ी शुद्धि कर लें, बहुत सी चीजों से आप बच जाए। जो लोग बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं और थके से रहते हैं सुबह उठ के, जिनकी हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी आपने सोचा हम सोते क्यों? हम सोते हैं क्योंकि दिन भर के टॉक्सिन्स को बॉडी को रेस्ट चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। वो टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो नए टॉक्सिन्स जुड़ते जाएंगे और आदमी बहुत जल्दी डिजीज हो जाएगा। बॉडी को मौका देना जरूरी है अपने आप को डिटॉक्स करने के। बॉडी जब डिटॉक्स करती है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स बॉडी को चाहिए ओनली एयर। नॉर्मली मुंह बंद होता है, नाक से हम सांस लेते हैं, एक ही नाक अगर खुला हो तो 50% ही एयर जा रहा है। अगर दोनों नाक खुले हों तो आप 100% एयर ले सकते हैं और बहुत कम टाइम में अपने आप को डिटॉक्स करके सुबह में जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना हेल्थ ठीक कर सकते हैं। इसलिए नाड़ी शुद्धि करना ज़रूरी है और नाड़ी शुद्धि करेंगे ब्लड प्रेशर इमीडिएटली फॉल करता है। ब्लड प्रेशर का कफ लगा के या आजकल वो पल्स ऑक्सीमीटर आ गया है जो आपको प्रेशर भी बताता है, वो भी लगा के देख लें नाड़ी शुद्धि करके, आप देखिए ब्लड प्रेशर कैसे फॉल करता है बिना कोई मेडिकेशन के। तो आप देखिए नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं। 20 बार सांस लेना, अगर आप लेट के कर रहे हैं तो आपको 20 बार आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे, 18 बार में ही नींद आ जाएगी। कोई कैप्सूल या गोली या टैबलेट या डाइजीपाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले थ्योरी में बता दूँ, पांच बार लेफ्ट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ना है, फिर पांच बार राइट से सांस लेके राइट से ही छोड़ना है, फिर पांच बार लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना है, फिर पांच बार राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक बार लेफ्ट से सांस लेके रोका छोड़ा रोका, ऐसे पांच बार करना है। अब राइट से सांस लेके राइट से छोड़ना है, ये एक बार किया, ये ऐसे पांच बार करना है। राइट से सांस लेके राइट से छोड़ा, लेफ्ट बंद था। अब लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना है, ऐसे पांच बार करना है। मैंने एक बार किया, लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना है। अब राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ना है, ऐसा पांच बार करना है। देखिए कितना सुकून, कितना कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट, ऐसा लगता है पूरे सब तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह, पूरी बॉडी में एनर्जी का प्रवाह।